गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फ्रॉम योर इंग्लिश बुक लेसन 9। आज न्यू चैप्टर हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं आपकी जो इंग्लिश बुक क्लास सेकेंड की, उसके नेम है द सन एंड द विंड। यानी कि 10 चैप्टर के नेम है द सन एंड द विंड। आपकी जो बुक है इंग्लिश बुक स्टेपिंग स्टोन्स, उसके नेम है और उसका जो प्रकाशन है गोयल ब्रदर्स प्रकाशन। ओके, तो हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पे दो जो नेचुरल थिंग्स है और उन दोनों में कुछ फाइट हो रहे हैं, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रही है। हम जानते हैं कि हर एक जगह में लड़ाई झगड़ा होती है, जैसे कि स्कूल में होती है ना, घर पे भी होती है ना, और अलग जगह में जैसे यानी कि कंट्री में भी होती है कि कौन स्ट्रांग है। यहाँ पे इस बात के लिए यहाँ पे क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। तो हम देखते हैं कि हमें ज़्यादा सर्दी होती है तो हम क्या है, उलन क्लोथ पहनते हैं, और गर्मी होती है तो हम कॉटन क्लोथ को पहनते हैं। यानी कि हमारे सीजन अलग अलग है ना, विंटर है, उसके बाद रेनी है ना, और फिर समर है। तो ये सीजन में हम अलग अलग क्लोथ्स को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये दोनों अचानक, ये दोनों दोस्त के अंदर क्या हो गया, लड़ाई हो गई। किस बात के लिए? तो ये दोनों दोस्त बोल रहे हैं, विंड और सन जो हो, ये बोल रहे हैं कि कौन इसमें स्ट्रांग है। तो इसको कैसे बताएंगे वो? तो एक दिन ऐसा हुआ कि इन दोनों में बोले कि मैं स्ट्रांग हूँ। तो फिर दोनों में बोले कि चलो ठीक है, तो पहले आप बताओ कि कौन स्ट्रांग है, ये भी बताना ज़रूरी है। कैसे पता चलेगी? कुछ कार्य हम करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि आप स्ट्रांग हो या मैं स्ट्रांग हो। जैसे कि हम गेम्स वगैरह बच्चे करते हैं, और उस टाइम में बच्चे अगर दोस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर एक बच्चा रनिंग करके आगे चल जाता है तो वो अपने दोस्त को पीछे छोड़ देता है और वो स्ट्रांग बन जाता है, यानी कि वो विनर बन जाता है। ऐसे ही इन दोनों में स्ट्रांग के लिए लड़ाई झगड़ा होती है। तो हम यहाँ पे लाइन वाइज पढ़ेंगे और फिर उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओपन योर बुक एंड यू सी द सन एंड द विंड वंस हैड ए फाइट। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये दोनों में विंड और सन में लड़ाई हो गई। आई एम स्ट्रॉन्गर सेड द विंड। पहले विंड ने बोला कि मैं स्ट्रॉन्गर हूँ, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैं हूँ। नो, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू सेड द सन। लेकिन सन ने बोला नहीं, आप स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन आपसे ज़्यादा स्ट्रांग मैं हूँ, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। दे बोथ एग्रीड टू शो देयर माइंड। तो दोनों में हुआ कि नहीं, हम अपने माइंड ताकत को हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो दोनों इस बात में क्या है, समझौता हो गया दोनों में कि चलो हम अपने क्या है ताकत को हम दिखाएंगे। लेकिन किसी के ऊपर दिखाना चाहिए, तो ये बोले कि चलो ठीक है, हम दिखाएंगे, कैसे करके भी हम दिखाएंगे। फिर वो अपने ताकत को दिखाने लगे। जस्ट देन ए मैन वियरिंग ए कोट केम डाउन द रोड। तो ये बात होने के टाइम में है, एक मनुष्य घर से निकला और फिर घूमने के लिए रोड में आ गया है वो। तो वो क्या पहना हुआ है, एक कोट को वो पहना हुआ है। द सन एंड द विंड डिसाइडेड दैट द वन दैट कुड मेक द मैन टेक ऑफ द कोट वुड बी द विनर। तो ठीक है, माइटी कैसे हम दिखाएंगे, ताकतवर हम कैसे दिखाएंगे माइट, तो चलो हम इस मैन के ऊपर उसको उपयोग करते हैं। और फिर जो ये कोट पहना है ये मैन, अगर वो कोट अपने शरीर से निकाल देगा तो फिर वो विनर होगा। तो दोनों में ये बात डिसाइड हो गई और दोनों ने इस बात में राजी हो गए और अपने क्या है, अपनी ताकत को दिखाने के लिए स्टार्ट हो गए। दे टुक टर्न टू गेट द मैन टू टेक ऑफ हिज कोट। तो बोले ठीक है, मैं उसके शरीर से क्या करूँगा कि उसके शरीर वो पक्का क्या है, अपने शरीर से कोट को वो निकाल देगा। द विंड ट्राइड फर्स्ट। पहले क्या है, किसने शुरू किया, पहले विंड ने ट्राई किया। इट ब्लू हार्ड, यानी कि जोर से हवा बहना बहने लगा, जोर से हवा को दिया। द मैन बटन्ड हिज कोट एंड टर्न अप द कॉलर।
तो उस मनुष्य ने क्या किया, जोर से अपने क्लोथ को वो पकड़ने लगा, अपने कोट को पकड़ने लगा, कलर को भी उसने पकड़ने लगा ऐसे, और फिर सारे बटन को उसने लगा दिए। ही वॉज कोल्ड, क्योंकि उसको बहुत ठंड लगी और इस वजह से उसने क्या किया, सारे क्या है कॉलर को और फिर अपने कोट को ऐसे पकड़ने लगा। द विंड ब्लू हार्डर एंड हार्डर टू ब्लो अवे द मैंस कोट, तो वो बहुत जोर से और जोर से हवा चलाने लगा कि मनुष्य अपने शरीर से वो कोट को निकाल के फेंक दे। बट द मैन हेल्ड इट टाइट देयर, लेकिन ये मनुष्य ने क्या है और भी टाइट से, है ना, और भी टाइट से उसको पकड़ने लगा, लेकिन क्या है और भी जोर से वो पकड़ने लगा, लेकिन अपने कोट को उसने नहीं निकाला। आफ्टर हाफ एन आवर द विंड गेव अप, तो उसके बाद क्या है आधा घंटा, है ना, आधा घंटा तक उसने किया लेकिन कोई असर मनुष्य के ऊपर नहीं हुआ, उसने नहीं निकाला और फिर क्या है वो चुप रह गया, कौन विंड ने चुप रह गया। When it was the sun's turn, it began to sign. तो अभी किसकी बारी है, पहले तो विंड की बारी थी हवा की, अभी किसकी बारी है, अभी सूरज की बारी है। तो उसने क्या है, देखो हम सूरज को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते कि इतना वो क्या है ताकतवर है कि अगर हम देखेंगे तो हमारी आँखों में क्या है जलन हो जाती है। तो वो साइन और बहुत साइन उसने करने लगा। द मैन अनबटन्स हिज कोट एंड टर्न डाउन द कॉलर, तो उसने क्या किया अपने जितना भी कोट के बटन उसने लगाया था वन बाय वन सारे कॉटन यानी कि कोट की जो बटन है उसको निकाल के उसने क्या किया कोट को उतार दिया। द सन बिगेन टू साइन इवन ब्राइटर, तो उसके बाद वो बहुत क्या है ना और भी ज़्यादा साइनिंग वो करने लगा। एफ ए फ्यू मिनट द मैन टुक ऑफ हिज कोट, उसने क्या किया बहुत जस्ट बहुत कम समय में ही उसने अपने कोट को निकाल के उसने फेंक दिया। ही वॉज फीलिंग वेरी हॉट, क्यों उसने फेंका कोट को निकाल कर, क्योंकि उसको बहुत गर्म महसूस हो गया। सर्दी में हम क्या करते हैं, हम वुलन क्लोथ्स वगैरह हम पहनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पहनते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में हम समर में हम क्या करते हैं, हम कॉटन क्लोथ्स पहनना हम पसंद करते हैं। अगर हम ज़्यादा कपड़े पहनते हैं तो उसको हम निकाल देते हैं, ज़्यादा हम गर्मी महसूस करते हैं तो फिर निकाल देते हैं। ही सैट डाउन अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, उसके बाद उसने जाके ट्री की छांव में वो है ना पेड़ के नीचे ट्री की छांव में उसने जाके वो बैठ गया। द सन स्माइल्ड एंड सेड सी आई एम स्ट्रॉन्ग, तो उसके बाद वो क्या है सन ने हंसने लगा और फिर बोला देखो मैं बोल रहा था ना आपको कि मैं ही स्ट्रॉन्गर हूँ, आपने नहीं समझे इस बात को लेकिन मैं ही स्ट्रॉन्ग हूँ। और उस मैन ने अपने शरीर से क्या है कॉर्ड को उसने निकाल दिया। यस यू आर एग्रीड द विंड, तो उसके बाद विंड ने क्या बोले कि ठीक है ना मैं मान गया कि आप ही स्ट्रॉन्गर हो, इस बात को उसने विंड ने मान गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है ना मानते हैं और फिर हम हार जाते हैं, और कोई जो असली में स्ट्रॉन्गर होता है और फिर अपने आप को वो दिखाता नहीं है, लेकिन जो बिना स्ट्रॉन्गर वाले क्या है दिखाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखें कि ओरिजिनल स्ट्रॉन्गर कौन था, सूरज ही यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रॉन्ग था, लेकिन विंड नहीं था। हवा चलती है लेकिन उस मनुष्य से जो भी बात हुई थी कि उस मनुष्य की शरीर से कोट को निकालना है, लेकिन इसमें कौन निकाला है, सन ही उस मनुष्य की शरीर से क्या है कोट को निकाल दिया। ओके थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।